कि अवेयर रहें, प्लीज अवेयर रहें। मैंने अपनी रिंग का बॉक्स खोला और रिंग उसमें नहीं थी। उन्होंने मेरा बैग खोला है, कब कैश निकाला मुझे नहीं पता चला। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक, मतलब ऐसे के थोड़े लॉन्ग ब्रेक के बाद, और वो ब्रेक क्यों आया मैं वो सब भी शेयर करूंगी आप लोग के साथ। सो आज कुछ ऐसा है कि फाइनली मैं जा रही हूँ अपने घर। फॉर आपका रिएक्शन दिखाऊं मैं लोगों को। सो फाइनली आई एम गोइंग होम और फॉर 1.5 मंथ और 2 मंथ्स, पता नहीं, अब आई डोंट नो, गॉड नोज। और दूसरा ये कि ज़िशान इज वेरी, ज़िशान का जो है ना अभी से इलेक्शन लाइबा, तुम जा रही हो, तुम सच में जा रही हो? मैं जब भी जाने की करती हूँ ना, मैं एक हफ्ते से जाने की कर रही हूँ, और ज़िशान वॉज लाइक अभी जा रही हो, बहुत जल्दी नहीं है, अभी जा रही हो। एंड मैं आती जाती रहूँगी ऑन एंड ऑफ, कभी वहाँ कभी यहाँ, क्योंकि आजकल गैस का प्रॉब्लम इज वेरी वेरी सीरियस। और 2 दिन से हमारे घर पे गैस नहीं है, हमने शावर तक नहीं लिया हुआ। मैं फ्रेंड माई से नहा लेता हूँ। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, क्योंकि मेरी बेगम आप लोगों से मुझे दूर रखती है। मैंने खुद का व्लॉग बनाया, मैं जा रही हूँ। टाइम तो मिले व्लॉग बनाने का, मैं जा रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको? मुझे अंदर से बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बाहर से अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अब रेगुलर जिम जाऊंगा, मेरी बहुत ऑफ हो गई है। मैंने ज़िशान की जिम की बहुत ऑफ कराई है, बहुत ऑफ करा दी भाई। फीस ज़िशान खुश इसलिए कि मैं अब डेली जिम जा सकूंगा। आप सच में खुश हो मेरे जाने से? लेकिन मैं, जाहिर है आप घर आते हो ऑफिस से थके हारे, और आपकी वाइफ ना हो तो, कोई तंग करने वाला ना हो तो बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए। बट मैं आ जाऊंगा आपके पास, कोई मसला नहीं है, जब भी मुझे याद आएगी। Finally. कौन सा आप जो है वो सिंगापुर है? हाँ, ये भी है। हम चाह रहे थे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना, जो एक हफ्ते से मैं व्लॉग्स नहीं डाल रही थी। आई वॉज नॉट एक्टिव, दिस इज फॉर यू गाइज ऑल्सो, कि अवेयर रहें, प्लीज अवेयर रहें। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, मैंने जिसको अपनी स्टोरी सुनाई है वो अपनी सुनाने लगता है, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। अब अपने फेस का ग्लो कम दिखाएं, हमने अभी फ्रेश जो है ना स्किन केयर किया, ये उसकी वजह से है। अरे मैं देख रहा हूँ अभी बार बार कट कराने। सो एक हफ्ता हो गया ना ज़िशान इस बात को? एक हफ्ता हो गया, अगर वो व्लॉग देख रही तो हमारी चीजें वापस दे दे। एक हफ्ते पहले हम लोगों ने एक न्यू मेड रखी, और इतनी मजबूरी के तहत कि हमें इस घर में एक साल होने वाला है, मुझे इस घर में एक साल होने वाला है, लेकिन एक ढंग की मेड हमें नहीं मिल सकी। कोई थी झूठ बोल के छुट्टियों पे जाती है, कोई कभी कुछ, तो हमें निकालना पड़ता था। बट अभी रिसेंटली हम 1 महीने से इतना तंग आ गए कि हमने बोला बस रखो, किसी भी तरह कोई मासी आए रखो। शायद ही हम इसमें, मेरी हम लोग की मिस्टेक भी थी थोड़ी बहुत, कि हमने मेरी नहीं थी बेसिकली। ज़िशान ने कहा था एनआईसी ले लेना, लेकिन मैंने थोड़ी सी सुस्ती की, मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं इतना आइडिया। कुछ ऐसा कि एक हफ्ते तक उसने मेड ने काम किया, और वो अपने साथ अपनी एक सिस्टर को भी ला रही थी। तो थोड़ा मुझे उस वक्त हुआ था कि यार दो मासियाँ संभालना और देखना हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन ज़िशान ऑफिस में होते हैं, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो भी 3 बजे तक ऑफिस चले जाते हैं। उसने पता नहीं टाइमिंग नोट कर ली थी, क्या कर लिया था, वैसे वो 1 बजे आ रही थी, और अगले दिन वो आई हैं आफ्टर 4 डेज़ वो आई हैं 3 बजे के बाद, कि हमें काम पे देर हो गई, ब्ला ब्ला सारी चीज़ें करके। देन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्या किया, मुझे खुद समझ से बाहर है, वरना कभी भी कोई मेड काम कर रही होती है मैं अपना रूम छोड़ के नहीं जाती, कभी भी नहीं। मैं देखती रहती हूँ कि हाँ सफाई हो रही है, ऐसा हो रहा है। बट उस दिन आई डोंट नो मुझे क्या हुआ, मैं खुद से उठ के अपनी अम्मी के कमरे में चली गई, तो वहाँ पर जो है उनकी सिस्टर आके बैठ गई, बातें करने लगी, जबकि मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ ना मैं रिप्लाई करती हूँ ज़्यादा। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, जितनी देर वो वहाँ बैठ के बोलती रही उतनी देर उनकी सिस्टर मेरे कमरे में अपना हाथ साफ करती रही। उस वक्त हमें नहीं पता चला, हमें लिटरली, हमें इतना सा भी
क्या उसने पढ़ के भूखा था क्या था पता नहीं, हमारे माइंड जो है ना वॉश हुए हुए थे, ऐसा लगता है हम हिप्नोटाइज हुए हुए थे उस टाइम पे, कि हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था कि कुछ हो सकता है, मेरा कमरा मैं छोड़ के आ गई हूँ, ऐसा कुछ है। बट खैर, फिर रात को ही मुझे जाना था अपनी अम्मी के घर पे, तो मैंने ऐसे ही अपना वॉलेट निकाला, चेक किया कि हो सकता है कि जाना पड़ जाए तो मैं कैश चेक कर लूँ है कि नहीं, मैं ज़्यादा कैश रखती भी नहीं हूँ अपने वॉलेट में। उन्होंने मेरा कैश निकाल लिया मेरे वॉलेट से, उन्होंने मेरा कैश निकाल लिया मेरे वॉलेट से, और मैंने वॉलेट खोला, मैंने कहा बर्बाद करें, मुझे नहीं पता, याद नहीं है 4,000 थे 5,000 थे वो गायब थे मेरे वॉलेट से मेरे जो है। उसके बाद मैं कुछ ढूंढ में नहीं रही थी, मैं जस्ट कैश का ही सोच के बैठी थी कि यार ये ले गई, इसने कैसे लेके गई, चेंजिंग रूम में कब घुसी मुझे नहीं पता चला। मेरे रूम के अंदर ही एक रूम है, वहाँ पे वो गई हैं, उन्होंने मेरा बैग खोला है, कब कैश निकाला मुझे नहीं पता चला। और उसके मैंने जो है बड़ी रैंडमली अपनी गोल्ड की रिंग चेक कर ली, मेरी इंगेजमेंट की रिंग, गोल्ड की एंगेजमेंट की रिंग। ओ गॉड, मैं अभी अभी भी सोचती हूँ ना, आई वाज लाइक यार उसमें मेरी इतनी मेमोरीज थी, इतनी यादें थी, और वो मेरी कबर्ड में थी। मैंने अपनी रिंग का बॉक्स खोला और रिंग उसमें नहीं थी, जो मैं नहीं सोच रही थी, जो मुझे नहीं आइडिया था वही हुआ। एंड आई वाज लाइक ये क्या हो गया, ये कब उसको मिली, ये उसको पता कैसे चला ये चीज़ इसके अंदर थी, ऐसे था वैसे था। खैर फिर आई वॉज, मतलब मेरे साथ ये चीज़ फर्स्ट टाइम हुई है इन माई लाइफ, एंड आई वॉज लाइक यार ये क्या हो गया है, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। खैर मैंने उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश की, ज़िशान वॉज लाइक लाइबा ज़्यादा अपसेट हो गई थी मेरी, बहुत ज़्यादा तबीयत अप एंड डाउन रहने लगी थी, मुझे डर लगने लगा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, और आहिस्ता आहिस्ता कुछ भी करके मैंने उस चीज़ को ओवरकम किया और आई वॉज फाइन आफ्टर फ्यू डेज। बट आफ्टर फ्यू डेज मैंने अपना सूटकेस खोला, जो मुझे मम्मा के घर लेके जाना है, जो मैंने रेडी किया हुआ है वो मैंने खोला, उसके अंदर मैंने अपने न्यू ड्रेसेस रखे हुए थे, जो कि ज़िशान ने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किए थे, एक ज़िशान ने गिफ्ट किया हुआ था, एक मम्मा ने, वो दोनों ड्रेसेस उसमें से गायब थे सूटकेस के अंदर से। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी प्रो चोर थी, कितनी प्रो चोर थी, और कितने घरों में वो ऐसे चोरियां कर चुकी होंगी। एंड जो लोग बहुत मेहनत से कमाते हैं और बहुत ज़्यादा उनके पास होता भी नहीं होगा, उनको ये लूट के ले जाती होंगी, उनके साथ उनकी क्या फीलिंग होती होगी। अब वो सोच के मैं तो उस टाइम थोड़ा, फिर जब मैंने थोड़े टाइम में उस चीज़ को ओवरकम किया, फिर ये चीज़ निकल आई, मैंने कहा यार ये भी ले गई, मतलब मेरे ड्रेसेस शॉपर्स में थे ना, एक दोनों ब्रांडेड ड्रेसेस थे, तो वो जो है ना प्लास्टिक के शॉपर्स में होते हैं वो उसमें थे, वो शॉपर छोड़ के, शॉपर फाड़ के, शॉपर छोड़ के ड्रेसेस निकाल के ले गई, और नहीं पता चला कि उन्होंने वो ड्रेसेस कहाँ दबाए, हमारे सामने निकली थी, कहाँ रखे, कैसे लेकर गई। एंड आई वॉज, मतलब मैं उसके बाद मैं और शॉक में चली गई कि यार जो चीज़ वो चीज़ें लेके गई जो मुझे गिफ्ट हुई हुई थी, जो मेरे दिल के बहुत करीब थी, जिनसे मैं बहुत अटैच थी। उसके बाद मैंने अपना एक एक सामान चेक किया है, एक एक चीज़ चेक की है, आई वॉज लाइक के पता नहीं और क्या लेकर गई है। सो फिर से मेरे दिल में और दिमाग में वो चीज़ डर बैठ गया कि यार ये क्या हुआ है, ये क्यों हुआ है। ज़िशान ने मुझे बहुत ज़्यादा उन डेज़ में संभाला है, मुझे नींद नहीं आती थी, अगेन मैं सो नहीं पाती थी, मैं रात को उठ के अचानक से रो रही हूँ, मेरे साथ ये होने लगा था। खैर मैंने फिर से इस चीज़ को ओवरकम किया, अल्लाह का शुक्र किया कि अल्लाह मैंने किसी बड़ी परेशानी से बचाया है। यस, दिस वाज द स्टोरी, होल स्टोरी, और अब जो है मैं इस चीज़ों को अपने दिमाग से निकालना चाहती हूँ, इसलिए मैंने व्लॉग बनाना दोबारा से शुरू करना चाहा कि यार दोबारा से स्टार्ट करते हैं और इस चीज़ को जो है ओवरकम करते हैं अगेन। And now I am going to mama's home finally. तो suitcase ready है, वो रहा, makeup bag ready है, क्योंकि as a content creator, influencer कभी भी काम आ जाता है, तो मैं अपनी सारी चीज़ें रख के लेके जा रही हूँ, कि ring light तक मैं लेके जा रही हूँ कि मुझे कोई भी काम आया तो I have to do that. कुछ frames थे हमारे पास, एक ये था, एक ये था, एक वो है।
अब जो है इसके नीचे आएगा बेबी कॉट, जो कि अभी फिलहाल मामा के घर पे है। तो ये हाँ गिर सकता, चलो दूसरी कील लगा देता हूँ। आई थिंक वो कील थोड़ी ऊपर होगी, बट चलो 19-20 तो सही है। 19-20 है, नहीं सर नहीं, इतना पता नहीं चल रहा। हाँ ये तो मैं नोट कर रहा हूँ तो पता चल रहा है। फाइनली बहुत सारी कीलें टेढ़ी होने के बाद हमारे फ्रेम्स लग चुके हैं। निशान जरा दीवार का हाल तो दिखाओ पीछे से। छोड़ दे भाई। इट्स लुकिंग नाइस, माशाल्लाह, परफेक्ट। सूटकेस वाले बाजी, सूटकेस वाली बाजी अपने बाल तो दिखाओ। दोबारा निशान, वंस मोर। आपने जिस तरह सूटकेस रखा है ना, मैं अपने कपड़े कैसे रखूंगी इसमें? अपनी स्किन केयर, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्किन केयर में सारी इस पाउच में डाल के अपने मेकअप बैग में रखूंगी, क्योंकि आई हैव सम वर्क टू डू। और ये कुछ सुर उप निशान, मेरा सूटकेस गिर गया नीचे। क्या करूं मैं, नॉर्मल चीजें हैं ये, नॉर्मल चीजें आपके लिए होंगी, आपकी चीज गिरती फिर। ये मेरे लेंसेज हैं, ये भी जाएंगे इसी में। मैं सब स्किन केयर को यहाँ पे रखूंगी। ये हो गया मेरा मेकअप और स्किन केयर बैग तैयार, और बाकी चीजें मैंने यहाँ रख दी हैं। अब इसको बंद करेंगे, इसकी जगह नहीं बन रही, अब इसको हम सूटकेस में रखेंगे। फाइनली आई एम रेडी, और मैंने अपना सारा सामान ध्यान से देख के पैक करके रख लिया है। नाउ वी आर लीविंग, लेट्स गो। खोल तो लिया लेकिन घर में कोई है नहीं। कौन आया, गेस्ट है हमारे घर में। इसको तो अंदर लेके जाओ। धुएं निकल रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये क्या नई इन्वेंशन है भाई? बस कुछ है ये तो मैंने दराज पे देखी थी चीज। हम दराज में से निकाल ले यार, लेवल थोड़ी सी अगर वेट कर तो मैं प्याज कर लूं। प्याज क्यों करनी है? ऊपर से गार्निशिंग के लिए। यार यार छोड़, भूख लग रही है, मत करो प्याज। चलो गार्निशिंग के लिए भी मत करो। ठीक, पानी पिलाओ पहले तो किसी ने। यस, मेरी पूरी लिस्ट रेडी। परसों मुझसे कह रही थी अम्मी के हाथ के परहटे याद आ रहे हैं। घर जाकर उसके ब्राइटनेस को बढ़ाओ। ब्राइटनेस इतनी है, हम नहीं ना कंजूस है, बढ़ाओ ना यार, पता ही नहीं चल रहा बीच में। तो नहीं यार, पता नहीं। शेख साहब, मेरे पिंपल हो गया देखो, इधर इधर। नहीं तो ये हो गया ना, हाथ मत लगाओ। अबे यार, कराची से एक बहुत बड़ा गेंडा बरामद हुआ है। किसी को मिले तो प्लीज हमारे घर ना ही भेजिएगा तो अच्छा है। अपने ऊपर भी नजर डालो थोड़ी। न्यूज सुनी थी ना बीच में, कराची में बरामद हुआ है एक मशहूर गेंडा। वो पाया गया बाबर अली अकबर के घर में। चले फिर, चले फिर, सीधा अच्छा मिला था, चलता मिला था। चलो अपना ख्याल रखो। सही है, यस, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। इंशाल्लाह जब 3 हो जाएंगे फिर मुलाकात होगी, या उससे पहले होगी। मैं परसों आ जाऊंगा मिलने। क्या हो गया तुम्हें? हां मंगल को आ जाऊंगा ना बस। सही है, डन हो गया। ठीक है, और मेरे बगैर कोई एंजॉयमेंट मत करना। नहीं नहीं, मैं ज्यादा एंजॉयमेंट नहीं करूंगा। कोई अच्छी मूवी में मत देखना। नहीं, मैं अच्छी मूवी भी नहीं देखूंगा। सही है, ओके, बाय बाय। तुसी जा रहे हो? तुसी ना जाओ, तुसी जाने दो, तुसी ना जाओ, तुसी मेरी उंगली तोड़ दिया। ये चॉकलेट के पीछे ये सांड लड़ रहा है मेरे से। इसको दफा कर दो बाहर, इसको दफा कर दो बाहर। आज लाइव चौथे दिन हो गया, मैं 4 दिन से बोल रही हूँ। क्यों छीनी तूने उसके हाथ से? है तो इसके हाथ में, ये गेंडे ने मेरे हाथ से छीन ली है, गेंडा कहीं का। चले जी, आज के व्लॉग से दे मुझे इजाजत। आज का व्लॉग इतना ही शॉर्ट छोटा सा, और मेन जो चीज डिस्कस करनी थी वो मैंने स्टार्टिंग में ही कर दी। और प्लीज़ 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 गाइस, बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मेड्स रखने से पहले प्लीज़ सारी उनकी इन्फो ले लें, कहाँ से हैं, कहाँ से नहीं, और कहाँ काम करती हैं, जो हमने वो आप लोग में से कोई ना करे और हमारी तरह
कोई चीज अपनी कीमती खोए ना. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें. एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.